छठे चरण के मतदान में वोट देने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ये सेल्फी शेयर की थी, जो कि बाद में इंटरनेट पर काफी शेयर की जाने लगी। यूजर्स इस तस्वीर के साथ दावा करने लगे कि इसमें दीवार पर टंगी तस्वीर जीसस यानी यीशु मसीह की है। अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत दावा करने वाले भाजपा समर्थक अकाउंट मिस्टर सिन्हा ने यही दावा करते हुए ये इमेज ट्वीट की और भी कई राइट विंग अकाउंट्स ने ये तस्वीर ऐसे ही क्लेम के साथ ट्वीट की है। इस कथित दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने वायरल इमेज से संबंधित हिस्से को क्रॉप कर यांडेक्स पर रिवर्स इमेज सर्च किया। हमें कई आर्टिकल्स मिले जिसमें से एक में निकोलस रॉयरिज की आर्ट गैलरी के बारे में बताया गया है। रीथिंक द फ्यूचर नामक वेबसाइट पर निकोलस रॉयरिज की आर्ट गैलरी के बारे में बताया गया है और वायरल तस्वीर के बारे में भी जानकारी मौजूद है। इसके मुताबिक कथित तस्वीर का नाम मैडोना ओरिफ्लेमा है, जिसे 1932 में निकोलस रॉयरिज ने बनाया था। निकोलस रॉयरिज म्यूजियम की वेबसाइट खंगालने पर हमें इस पेंटिंग के बारे में काफी जानकारी मिली। पहले विश्व युद्ध के बाद निकोलस को एहसास हुआ कि हर एक राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है और इसीलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों की सहायता से एक संधि की रचना की, जिसे रॉयरिज पैक्ट के नाम से जाना गया। वही जिस लाल घेरे में तीन बिंदु वाला ध्वज है उसे बैनर ऑफ पीस कहा गया। इस वेबसाइट पर कथित तस्वीर भी मौजूद है, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सेल्फी में दिख रही ये पेंटिंग यीशु मसीह की नहीं बल्कि निकोलस रॉयरिज की पेंटिंग है, जिसमें शांति का प्रतीक दिखाया गया है।